कुत्ते भौंक, अब कुत्ते की तरह तेरी बहन सितारा क्या कर रही है, बता अब जल्दी बता वो क्या कर रही है। साजिद अमीन तो उनको करीती और मानो को पावर दिखा रहा था, तेरी सितारा जो बहन है जिसको तू बहन कहता है उसके आंसू देख के तू कह रहा था उसको बहुत सैड कर दिया, ये कर दिया, हीटरों ने फलान कर दिया, वो पावर जो चेक करी थी अपने जीजा जी के पास। दल्ले ओ दल्ले ओ दल्ले ओ दल्ले, तू तो उससे पैसे ले रहा था, दल्ले दल्ले तू तो 30,000 रुपया महीने का ले रहा था सितारा से। जा अपनी बहन को बचा ले, उसकी इज्जत भी बचा ले, वो अपनी इज्जत लुटाती फिर रही है। और वो साजिद अमीन को भी पता सारी बात का। वालेकुम मेरे व्यूज़, सबको मेरा सलाम। तो उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। तो आपने औकात तो देख ली ना सितारा की, कि वो किस औकात की मालिक है। उस टाइम तो बड़ी कुत्ते की तरह बौ वो करके कुत्ते की तरह यहाँ पे कमेंट कर रहे थे मुझे मेरे चैनल पे नीचे वीडियो के नीचे, कि हम सितारा को सारी ज़िंदगी सपोर्ट करेंगे। तुम सितारा का नाम लेके तुम व्यूज़ ले रहे हो, तुम सितारा का नाम लेके पैसे कमा रहे हो, तुम सितारा का नाम लेके डॉलर कमा रहे हो। कुत्ते की तरह बकवास कर रहे थे, कुत्ते की तरह भौंक रहे थे। उसकी बहन की जाके स्टोरी सुनो, सलमा की, जो सलमा जो उसकी बहन रो रही है वीडियो में, उसने आधे घंटे की जो वीडियो बनाई है उसकी जाके स्टोरी सुनो। उसके सितारा क्या चीज़ है, कितनी बड़ी हाजन है, और वो सऊदी अरब क्या करने गई थी, यही करने गई थी, यही सीख के आई है मुझे तो लगता है वहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है कि सच्चाई को देखा करो कि कौन इंसान क्या कह रहा है, सच कह रहा है झूठ कह रहा है। मैं कब से भौंक रहा था, कब से मैं बोल रहा था, कब से बकवास कर रहा था कि ये सितारा कैमरे के पीछे कुछ और है और कैमरे के आगे कुछ और है। ये कैमरे की बैक साइड पे कुछ बोलती है, कुछ करती है, और कैमरे के सामने कुछ करती है। अब कुत्ते की तरह भौंकने के लिए हड्डी डालूं मैं तुम्हारे सारों के मुंह के अंदर, तुम्हारे पिछवाड़ों में मैं डालूं ये अलमारी भी, वो सामने मच्छरदानी भी तुम्हारे मैं पिछवाड़े में डालूं। अब कुत्ते की तरह भौंकने के लिए आओ मेरे सामने, कुत्ते की तरह जो वो कर रहे थे कमेंट कर रहे थे जो उसके बड़े सपोर्टर थे, हम तो सारी ज़िंदगी उसको सपोर्ट करेंगे। तुम उसका नाम लेके तुम अब तुम ये कर रहे हो, तुम व्यूज़ कर रहे हो, तुम ये करो, जाके उसकी बहन की स्टोरी देखो और दल्लो बगैर तो। और तो क्या, और वो जो साजिद अमीन है उसका जो हस्बैंड है वो क्या कह रहा था, कृति और वो उसको मानो को वो पता नहीं कहाँ की हैं, इंडिया की हैं, पता नहीं कहाँ की हैं, कि मेरी पावर देखनी है तो मेरे पास आओ, मैंने इसीलिए 2 शादियाँ की हैं, मेरी बड़ी पावर है। तेरी बीवी तो पावर देख रही है अपने जीजा जी के पास, वो तो अपने भणवीये के पास जाके पावर चेक करी। तेरे पल्ले कुछ होता तो वो उधर जाके अपने भणवीये के पास जाती और पकड़ी जाती, और वो भी पकड़ने वाली भी कौन सी, उसकी सक्की माँ, उसकी सक्की माँ ने पकड़ा उसको। और तू कुत्ते की तरह भौंक रहा था कि मेरी पावर देखनी है तो आ जाओ, मैं होटल में बुलाता हूँ, होटल में आ जाओ, ये है वो है, लख लानत तेरे मुंह पे फिटे मुंह, कुत्ते के मुंह वाले, बागड़ बिल्ले के मुंह वाले, लूसी लूसी, तुझे दूसरी दफा तुझे घर में सालन नहीं मिलता। सितारा के पीछे कुत्ते की तरह दुम हिलाता फिर रहा था कि वो चलो पैसे कमा रही है, उसके पास पैसा है और वो उसका चैनल चल गया है, हर महीने सैलरी आती है, हर महीने पैसे आते हैं, तू लूस लूस उसके पीछे कुत्ते की तरह फिर रहा होता है। तो मुझे ये बात बता, अब तेरी बीवी कहाँ पावर चेक कर रही है, मुझे ये बता, तेरे पल्ले कुछ है, मुझे ये बता, तेरे है कुछ पल्ले है, मुझे ये बता। तो कहने का मतलब ये है कि सच्चाई अब आपके सामने आ गई है ना। मैं कहता था ना कि ये सितारा यासीन, ये जो साजिद अमीन है, ये क्या ड्रामे करते हैं, फेक वीडियो बनाते हैं, अपनी दिल में लोगों के दिल में इज्जत बनाने के लिए ये करते हैं सारा कुछ, तो मेरी बातों पर यकीन नहीं कर रहे थे। अब कुत्ते की तरह जो जिन जो कुत्ते नीचे भौंकते थे कमेंट के नीचे, वो जो नीचे आके वो करते थे कुत्ते की तरह कमेंट करते थे, तुम सितारा का ये वो पता नहीं क्या क्या भौंक रहे थे अपनी मेरे मुंह से कुछ सुनते हैं, अब ये फैमिली वगैरह चैनल देखती हैं, नहीं तो मैं इनकी वो करूँ कि ये याद रखें जो ये बैठ कमेंट करते हैं, जो गलत कमेंट करते हैं, कुत्ते की तरह भौंकते हैं, इनके लिए तो मैं अब मैंने जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है, अगर मेरी बात पर अब भी यकीन नहीं आ रहा ना, उसकी बहन का जाके सलमा यासीन का चैनल पर जाके उसकी आधे घंटे की वीडियो देखें और उसके आंसू देखें, वो कितनी बेचारी परेशान है, उसके दिल पर क्या गुजरती होगी, उसकी बहन उसके लिए कितना अच्छा सोचती थी, उसकी सपोर्ट करती थी और उसका साथ देती थी, उसकी बड़ी बहन माँ बन के उसका उसने साथ दिया सितारा का, और उसने अपनी बहन के साथ क्या किया, उसके खावंद के साथ ही जाके अपने जीजा जी के साथ ही वहाँ जाके पावर चेक कर रही है। जा साजिद अमीन अपनी बीवी की करतूत चेक कर जरा, वो क्या करतूत कर रही है। तब भी तो मैं कहूँ कि तुम्हारी वीडियो ही नहीं आ रही, तुम्हारी वीडियो ही कोई नहीं शो हुई, तुम्हारा कोई व्लॉग ही नहीं बना, नहीं तो तुमने तो धड़ाधड़ वीडियो बनाते रहते, धड़ाधड़ सुबह भी अपलोड कर रहे हो, दोपहर को भी अपलोड कर रहे हो, शाम को भी अपलोड कर रहे हो, तब भी तो मैं कहूँ कि तुम्हारी बात क्यों नहीं सामने आ रही, तुम्हारी वीडियो क्यों नहीं आ रही, तुम्हारा व्लॉग क्यों नहीं आ रहा। असल मसला जो है ये है कि तुम्हारे ऊपर अब बड़ा मसले आने वाले हैं, तुम्हारा चैनल भी जाने वाला है, अब तो तुम्हारी औकात सारी दुनिया के सामने आ रही है, अब तो तुम किसी खाते के नहीं रहोगे। और लानती हो तुम जो ड्रामे करते हो दुनियादारों के सामने और अपने रिश्तेदारों को, शहजाद जैसे और दिलशाद कुत्ते तू भौंक, अब
दिलशाद कुत्ते अब तेरे मुंह में हड्डी जो उन्होंने डाली थी, अब भोंक उसकी फेवर कारा बुन की। तेरी जो तू जो कह रहा था सितारा के ऊपर इल्जाम लगाते हैं वो बहुत अच्छी है, वो दिल की बहुत अच्छी है। अब बोल गांडू तेरे मुंह में मैं डालूं ये स्त्री वाला मुंह, चूंच वाला मुंह, तेरे तेरे मैं पिछवाड़े में डालूं ये सोफा और ये साथ ये बेड और ये साथ अलमारी भी तेरे पीछे मैं डालूं। गांडू इंसान बगैरत के बच्चे, अब बोल, अब सितारा की सैड मार, अब सितारा की वो कर हरामी लानती इंसान, मेरे पे वीडियो बना रहा था, मेरे क्लिप उठा उठा के ला रहा था कुत्ते के मुंह वाले बगैरत इंसान। अब आना जरा, अब देख अपनी सितारा जो तेरी बहन बनी हुई है, तेरी बहन ने क्या करतूत किया, जाके चेक कर जरा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और दूसरी बात यह है कि इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, औकात आपको बतानी थी, वो मैंने आपको बता दी। तो अब अगली वीडियो में मिलते हैं, और अब भाई को सपोर्ट कीजिएगा, और मैंने हक की आवाज़ उठाई है, ठीक है, मैंने हक पे आवाज़ उठाई है, मैंने बेफजूल नहीं आवाज़ उठाई, मैंने सिर्फ उस कोसर के लिए आवाज़ उठाई है, वो भी एक इंसान है, वो भी किसी की बेटी है, किसी की बहन है, माँ है। तो आप भी ऐसे सपोर्ट कीजिएगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं सिर्फ अल्लाह की ज़ात से डरता हूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं एक और इन्फॉर्मेशन दूंगा, अब आपके सामने सारे सबूत आएंगे, अब सारे सबूत आएंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा, खुदा हाफिज़।